जी हाँ, पाकिस्तान में मचे राजनीतिक उथल पुथल के बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि बागी नेताओं का इमरान खान पर बड़ा आरोप। आरोप यह है कि समर्थन के लिए धमका रहे हैं इमरान खान, बागी नेताओं के फोन टैप करा रहे हैं इमरान खान, बागी नेताओं को दी जा रही है गायब करने की धमकी, बागी नेताओं पर आत्मघाती हमले की भी धमकी दी जा रही है। तो लगातार अब इमरान खान कटघरे में खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। बागी नेताओं के फोन टैप करने का, उन्हें जान से मरवाने तक का आरोप लग रहा है, गायब करवाने का भी आरोप इमरान खान पर लग रहा है। देखिए क्या क्या हो रहा है, किस तरह से पाकिस्तान की फेक डेमोक्रेसी की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, ये आप देखिए। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में दरअसल 342 सीटें हैं और पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 172 है। ये देखिए पाकिस्तान की असेंबली की पूरी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। इमरान के पास कितने घंटे बचे हैं, नेशनल असेंबली की कुल सीटें हैं 342। जरा नंबर गेम देखिए, पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी जो इमरान खान की पार्टी है उसके पास है 155 सांसद, एमक्यूएमपी के 7, पीएमएलक्यू के 5, बीएपी जो बलूचिस्तान की पार्टी है उसके 5 और अदर्स के पास हैं 7। अब सरकार समर्थक जितने भी सांसद हैं अलग अलग पार्टियों से भी संबंध रखने वाले, पीटीआई के साथ अगर उन्हें जोड़ दिया जाता है तो यह आंकड़ा सामने आता है 179 का बड़ा आंकड़ा। यही वो आंकड़ा है जिसके बूते इमरान खान की सत्ता चल रही है पाकिस्तान के अंदर। बहुमत का आंकड़ा है 172, ये देखिए ये बहुमत का आंकड़ा है 172 का और इससे ज्यादा 179, यानी बहुमत के आंकड़े से 7 ज्यादा सांसद जो हैं वो इमरान खान की पार्टी के पक्ष में हैं। लेकिन सरकार विरोधी, मैं चाहूंगा एक बार फिर से दिखाइए क्योंकि सरकार विरोधी जो सांसद हैं वो कितने हैं ये समझना जरूरी है। ये देखिए पीएमएलएन 84, पीपीपी जो आसिफ अली जरदारी की पार्टी है उसके 56, एमएमए के 15, बीएनपी एम के 4 और अदर्स 3, यानी इनको अगर आप मिला देते हैं ये सारी 5 जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको अगर एक साथ लाया जाए तो सरकार विरोधी सांसदों की संख्या 162 अभी फिलहाल है। लेकिन अब खतरा क्या है, इमरान खान डर क्यों रहे हैं, बगावत की आंधी क्यों चल रही है पाकिस्तान में, ये जरा समझिए। इमरान समर्थक जो सांसद हैं वो हैं 179, लेकिन हुआ क्या है, ये 34 सांसद तहरीक इंसाफ के हो गए हैं बागी, इस्लामाबाद में पहुंच गए हैं एक जगह पर और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं हम अपने मन की सुनेंगे और अपने मन के हिसाब से वोट करेंगे, जो मन कहेगा वही करेंगे। 34 सांसद हैं ऐसे पीटीआई के, इसके अलावा बीएपी के 5, यानी बलूचिस्तान वाली जो पार्टी है उसके 5। अब 179 में से अगर 34 बागियों को आप हटा दीजिए, बीएपी के 5 को हटा दीजिए तो आंकड़ा कहां आ जाता है, 140 पर। ऐसे में इमरान खान की सरकार गिरना तय है। ये 140 का आंकड़ा जो ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है यही इमरान खान की चिंता का सबसे बड़ा सबब है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।